अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े में ही रहना। दोस्तों आज हम फिर से आए हैं आपके सामने एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना और बेल नोटिफिकेशन जो है ऑल पे रख लेना, ताकि हमारे जो भी वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये खुशी की बात है कि अभी ये जो रोड है मैग्नमाइज हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। पिछली बार जब हम अठवतु गए थे तो उस वक्त रोड की हालत जो है बहुत ही ख़राब थी। अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं इसका रोड जो है पूरा मैग्नमाइज है और यहाँ से जो व्यू है बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। तो दोस्तों एलटी जो है उसने मेरी बाइक अभी ले ली है, तो वो गया है मार्केट तक और मैं अभी पैदल चल रहा हूँ इस रोड से। तो काफ़ी अभी हमें ऊपर भी जाना है, तो अभी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो अभी मैं पैदल ही चल रहा हूँ, शायद एलटी आ गया है पीछे, मुझे आवाज़ आ रही है पीछे से बाइक की, शायद वो आ गया है। देखते हैं वो कब तक आता है, तो अभी चलते हैं ऊपर तक। वो एलटी भी आ गया शायद। हाँ तो ये आ गया भाई, एलटी भी है। तो एलटी मार्केट से कुछ लाया? हाँ थोड़ा बहुत लाया, वहाँ पे शॉप होगी मगर कंफर्म नहीं है, पता नहीं है शॉप है कि नहीं है, इसलिए हमने अच्छा मतलब ये सोचा कि हम वहाँ नीचे से ही लाएंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ से हम सीधा ऊपर, और ऊपर क्या ही व्यू है भाई, नज़ारा देखो क्या नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। और यह आप देखो पूरी ना हम वादियों के बीचों बीच अभी बैठे हैं, और पीछे से देखो कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। तो अभी चल रहे हैं ऊपर, मुझे ना ऐसे चल रहे में मज़ा आता है, मतलब पैदल ट्रैकिंग करने में मुझे मज़ा आता है, बाइक पर उतना मज़ा नहीं आता। आता है लेकिन जब हम लॉन्ग राइड पर जाते हैं ना तब मज़ा आता है बाइक चलाने में। तो अभी ऐसे जो हम ट्रैकिंग करते हैं उसमें मुझे मतलब ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी देखते हैं अभी हमें ऊपर और कितना जाना है, यह रास्ता कहां तक जाता है वो भी हम देखेंगे। तो गाइस एक जो मेरा दोस्त है उसने मुझे अभी कुछ टाइम पहले कॉल की थी, लगभग 10-15 मिनट पहले, तो उसने कहा था कि आप कहां पर हो। मैंने उसको अपनी लोकेशन बताई कि मैं यहां पर हूं, तो उसने कहा कि वहां मेरा वेट करो, तो मैं भी आ रहा हूं वहां पे। तो इसलिए हाँ ये देखो आ गया भाई, अभी इसी की बात कर रहे थे और ये भी आ गया, ये हमारा तीसरा बंदा है। क्या अरे भाई ठीक बढ़िया मज़े में। तो ये भी हमारा एक और हमारा बंदा आ गया। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बाइक पे और अभी एलटी जो है वो बाइक चला रहा है, और अभी हम यहाँ से चलते ही ऊपर देखते हैं ऊपर हमें क्या क्या जो है देखने को मिलेगा। तो गाइस बांडीपुरा जो है ना, बांडीपुरा एक ऐसी मतलब प्लेस है, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी जगहें मिलेगी देखने के लिए, काफ़ी सारी जगह है यहाँ पर। हमने आपको अपने चैनल पे काफ़ी सारी जगह भी दिखाई भी है। तो अभी जो है ना काफ़ी सारे जिगजैग मोड़ आ रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है इस रास्ते पे भी चलने में, काफ़ी सारे ऐसे जिगजैग मोड़ आ रहे हैं। तो अभी हम इस रास्ते का एंजॉय ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो लेकिन ध्यान से चलाना पड़ता है क्योंकि जो रास्ता है ना काफ़ी मतलब तंग रास्ता है, छोटा रास्ता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि रास्ता जो है काफ़ी अच्छा है, मैग्नमाइज रास्ता है। तो गाइस ये कुछ रोड है इस जगह का हमने आपको अभी तक नाम नहीं बताया है। इस जगह का नाम जो है वो है बोटू, इस जगह का नाम है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है और रास्ता भी अच्छा है काफ़ी इसका। तो इस रास्ते में काफ़ी सारे मोड्स हैं, काफ़ी सारे कर्व्स हैं और काफ़ी मज़ा आता है इन कर्व्स पे ना बाइक चलाने में, काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी तो। काफ़ी अच्छा सीन भी है, काफ़ी अच्छा मौसम भी है, लेकिन ये जो रास्ता है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो गाइस अभी हम इस इलाके में आ गए हैं, इसका नाम है बोटू, और यहाँ पर जो है हमारी और यहाँ पर जो है हमें काफ़ी सारे जो है मकान अभी दिखने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पे एक खूबसूरत एक ज़ियारत है। तो
तो इसके नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो हम चलते हैं इस ज़ियारत के अंदर। तो अभी हम यहाँ से अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो है एक मस्जिद की कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत ही अच्छी मस्जिद बनी हुई है। तो ज़ियारत जो है मेरे ख़्याल से यहाँ नीचे सीढ़ियों से जाना पड़ेगा हमें। तो गाइस यहाँ पर हमें एक लेडी मिली थी, उसने कहा कि ये जो यहाँ पे ज़ियारत है, ज़ियारत है ददमाज की ज़ियारत है, वो यहाँ से आई थी। यहाँ जो रास्ता है ना नीचे से, यहाँ से वो आई थी, वो यहाँ से चढ़ते चढ़ते और यहाँ तक, यहाँ पर एक चश्मा है तो उसने यहाँ पर एक लाठी मारी थी, उसके साथ जो लाठी थी अपने साथ, तो उसने यहाँ पर लाठी मारी थी और यहाँ पर एक चश्मा बन गया और यहाँ पर एक चश्मा तभी से है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे, आपको वो चश्मा दिखाएंगे और उसी की जो है ज़ियारत है। तो उसका जो नाम, और मैंने बाहर बोर्ड पढ़ा था वहाँ पे लिखा था बीबी आरिफा, तो ये उसका नाम था बीबी आरिफा। तो ये हमने जो है ये स्टोरी हमने आज पहली बार सुनी है, इस तरह का कुछ सीन है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, ये थोड़ी सी ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो गाइस वो जो ऊपर आप देख रहे हो वो वहाँ पर चश्मा बना है, वहाँ पर जो है उसने लाठी मारी थी और वहाँ से जो है पानी जो है यहाँ तक आ रहा है। ये देखिए, ये हमें अभी थोड़ा सा अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है और शायद जो है आधा पानी जो है वो लेफ्ट साइड में जो बना है वो नया आधा पानी जो है वो शायद उसमें जा रहा है। तो गाइस ये है यहाँ पर, इतना ठंडा पानी है कसम से, कसम से वो बहुत ज्यादा ठंडा। मैं चेक करूं, ये देखना, रुको रुको, ये देख कितना ठंडा और साफ पानी है। ओह 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 गाइस, काफी ठंडा पानी है, काफी ठंडा पानी है। ओए पानी जो है यहाँ से निकलता है, यहाँ से। अच्छा ठीक, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है भाई। तो गाइस काफ़ी ठंडा पानी है ये, मज़ा ही आ गया। और ये जो पानी है ये इस पाइप से जो है ना, यहाँ से इस पाइप से ये पानी जो है वो नीचे जा रहा है। तो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से वापस और सीधा जाएंगे हम ऊपर, देखेंगे ऊपर हमें और क्या क्या जो है वो देखने को मिलेगा, तो वो आपको हम आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए अभी हम यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ज़ियारत से हम वापस आ चुके हैं, अभी हम यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, थोड़ा हमने लेस और कुछ यहाँ पर ठंडा लाया है, ये ख़त्म करके फिर हम आपसे दोबारा जो है मिलेंगे। और हमने जो है अपनी बाइक्स वहाँ पे पार्क की है, वो हमने वहाँ पर अपनी बाइक पार्क की है और काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़ारा है पूरा जो हमें यहाँ पर आगे का नज़ारा देख रहे हैं। तो गाइस अभी ना, अभी हमने ये सब ख़त्म कर लिया है, तो अभी इसको साथ में ले जाएंगे, इसको छोड़ेंगे वहाँ नीचे किसी डस्टबिन में। तो गाइस ये देखिए, अभी मैं किस रास्ते से चल रहा हूँ और मेरे जो बंदे हैं वो देखो आगे हैं वहाँ पर, और अभी यहाँ से हो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए भाई क्या नज़ारा है गाइस, खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी जो है अलग ही फीलिंग आ रही है, काफ़ी मज़ेदार फीलिंग आ रही है, अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट जगह है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ पीछे का, बिल्कुल हम जंगल के बीचों बीच अभी है, हर तरफ आपको जंगल दिखेगा। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है एक नाला बह रहा है और अभी उसकी थोड़ी सी जो है आवाज़ हमें आ रही है। सो गाइस चलते चलते हम आगे यहाँ तक, लेकिन यहाँ से आगे का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, आगे जो है पूरी गन्नी झाड़ियाँ है
और इसके अंदर हम तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, इस वीडियो को हम अभी यहाँ पर एंड करेंगे और आपसे हम इंशाल्लाह मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, अच्छे वीडियो में। तो अभी एलटी आपको कुछ कहना है? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको ऐसे मज़ेदार वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ से इंशाल्लाह, आप हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।